Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter number 5, that is geometry. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? Counting of geometrical shapes, solids and type of lines in geometrical figures. Identification of type of polygons. Properties of rectangle, square, equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle and circle. Concept of closed and open figure or curve. Concept of parallel intersecting and co-inclining lines, symmetry, perimeter of polygons and identification of solid formed from the given net. तो इन सभी टॉपिक्स पे जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर. जो फिगर दी हुई है इसमें कितने स्क्वायर्स हैं टोटल, ये हमें काउंट करना है. ठीक है, तो कुछ स्क्वायर्स तो हमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, कुछ को हमें देखना पड़ेगा कि कितने स्क्वायर्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स तो एकदम क्लियर हैं. आफ्टर दैट 1 2 3 एंड 4 फोर स्क्वायर्स और हो गए. देन 5 एंड 6 टू और हो गए. नाउ 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18 और कौन से बनेंगे, दिस वन. 3 3 ब्लॉक्स लेके अगर हम बनाएंगे तो 2 स्क्वायर्स और बनेंगे, तो टोटल हो गए 20. सो 20 स्क्वायर्स आर देयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड फिगर. इनमें से कौन सी फिगर क्लोज्ड फिगर है. क्लोज्ड फिगर कौन सी होती हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट एंड फिनिश होती हैं. तो ये तो ओपन फिगर है, दिस वन इज ऑल्सो ओपन, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर एंड दिस वन इज ऑल्सो ओपन. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ द फिगर्स आर ऑल, ये जितनी भी फिगर्स दी हैं ये सब क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, polygons or none of these all are polygons. So option C is the answer. Now what is the perimeter of the given figure, jo ye figure di hui hai iska perimeter kya hoga. Perimeter means jo sides hoti hain usko hum add karte hain, sides ki jo length hoti hai usko add karke perimeter milta hai agar koi irregular figure hoti hai to. Okay, सो ये एक इरेगुलर फिगर है, इसकी कोई लेंथ विड्थ हाइट कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसकी हम साइड्स को काउंट करेंगे. हिंट हमें दिया है कि वन बॉक्स की जो वन साइड है वो 2 सेंटीमीटर है. ओके, तो हम काउंट कर लेते हैं कितनी साइड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 साइड्स है और एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो 44 सेंटीमीटर. सो द पैरामीटर इज ऑप्शन बी, 44 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी शेडेड so that the given figure becomes symmetrical along the dotted line. ये जो फिगर दी हुई है इसमें हमें कितने और स्क्वायर को शेड करना पड़ेगा जिससे जो ये डॉटेड लाइन दी है, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके अलॉन्ग जो है जो फिगर है वो सिमेट्रिकल बन जाए. तो हम इस जो ये लाइन दी हुई है इसके दोनों साइड देखेंगे इक्वली, यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये बॉक्स इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, बट इसके इक्वल यहाँ पे हमें इस बॉक्स को शेड करना पड़ेगा. सो ओनली वन बॉक्स वी हैव टू शेड. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर. जो ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉरी जो ये फिगर दी हुई है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये ट्राइंगल्स हो गए. देन 1 2 3 एंड 4
8 plus 4 is equal to 12. So option B is the answer. Question number 7. Select the incorrect option. Incorrect option means jo option isme se galat hai wo hame batana hai. An equilateral triangle has three lines of symmetry. Yes. A rectangle has opposite sides of equal length. Yes. A square has no line of symmetry. This is wrong. So the incorrect option is option C. Now question number 8. Which of the following figures has the highest perimeter? Kaun si figure ka perimeter sabse jyada hai? So 2 plus 2 4, and 5 plus 5 10, 10 and 4 14, 2 plus 2 plus 2 6, 4 plus 4 plus 4 plus 4 16. तो किसका पैरामीटर सबसे ज़्यादा है? फिगर 3 का. फिगर 3 है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच लाइन इन द गिवन फिगर इज द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. अब यहाँ पर हमें 1 2 3 and 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री दी हुई हैं. कौन सी करेक्ट लाइन है सिमेट्री की, ये हमें बताना है. तो हम हर लाइन को ध्यान से देखेंगे. ओके, ए बी को अगर देखते हैं तो इसके दोनों तरफ ये दो डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, तो ये नहीं होगी. ई एफ, ई एफ को अगर हम देखते हैं तो यहाँ ये दोनों डिफरेंट हैं, ये भी नहीं होगी. सी डी, नो, ये भी नहीं होगा, ये दोनों डिफरेंट हैं. नाउ एच जी, दिस आर सेम सेम सेम. सो जी एच इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री. जी एच इज़ द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. आई जे के एल, आई जे के एल एंड एम एन ओ पी आर टू रेक्टेंगल्स. ये दो रेक्टेंगल्स हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ के पी. इसकी के पी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसको मैं नोटबुक में सॉल्व करती हूँ. इन रेक्टेंगल आई जे के एल, आई जे इज इक्वल टू एल एम प्लस एम के. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, है ना. सो आई जे इज इक्वल टू 8 एंड एल एम इज इक्वल टू 5 प्लस एम के. देयरफॉर एम के इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एम के इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इन रेक्टेंगल एम एन ओ पी, एम पी इज इक्वल टू एन ओ एंड एम पी इज इक्वल टू एम के प्लस के पी. सो 3 प्लस के पी इज इक्वल टू एन ओ. सो के पी इज इक्वल टू, ये भी है 12. सो के पी इज इक्वल टू 12 माइनस 3 और के पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. सो के पी इज 9 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. स्टडी द फिगर केयरफुली. इस फिगर को ध्यान से देखना है. विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी. ए बी लाइन कहाँ है? दिस वन. इसके पैरेलल कौन सी लाइन है? एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी. कौन सी लाइन ऐसी है जो ए बी के पैरेलल है और सी डी के परपेंडिकुलर है? सो ध्यान से अगर देखोगे तो ए बी के पैरेलल एक ही लाइन है, दैट इज एस टी. और एस टी जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर भी है, है ना. सो ऑप्शन ए, लाइन एस टी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स रेडियस. एक सर्किल होता है, उसका डायमीटर रेडियस से ज़्यादा होता है, कम होता है या इक्वल होता है,
ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, जो भी रेडियस होता है उसका डबल हमेशा डायमीटर होता है, इसलिए डायमीटर सर्किल का जो है वो हमेशा रेडियस से बड़ा होता है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी एंड रेक्टेंगल क्यू आर इक्वल, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्यू. एक हिंट हमें दिया है कि दोनों का पैरीमीटर सेम है, दोनों की एक एक साइड हमें दी है, तो स्क्वायर में तो चारों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए हर साइड 6 सेंटीमीटर की है, बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ लेंथ दी हुई है, ब्रेथ हमें मालूम करनी है. ठीक है, जो क्लू है वो क्या है हमारे पास, कि दोनों का पैरीमीटर सेम है. ओके, सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके, ए स्क्वायर का पैरीमीटर आ गया. नाउ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, और वी कैन से 2 इंटू लेंथ हमें दी हुई है 8 एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, अब इनकी वैल्यू अगर हमें जो बताया गया है कि दोनों का पैरीमीटर इक्वल है, सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 होना चाहिए, तो हम पहले इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 8 प्लस बी, क्योंकि बी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना है कि इधर पैरीमीटर दोनों का इक्वल होगा, तो पैरीमीटर निकालने का जो ये फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पुट करेंगे, और पैरीमीटर इधर लिखा हुआ है. अब हम बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 8 16 प्लस 2 बी. ओके, नाउ 2 बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर. 2 बी इज इक्वल टू 24 माइनस 16 8, सो बी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ वीर पुटेड 3 पॉइंट्स ऑन अ ग्रिड लाइन. वीर ने ग्रिड लाइन पे 3 पॉइंट्स पुट किए हैं. द थ्री पॉइंट्स टुगेदर मेक अ, अगर हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, ट्राइंगल, या इनमें से कुछ भी नहीं. सो अगर हम इनको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड. इस तरह की सॉलिड फिगर बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत होगी. सो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 लाइंस हैं क्यूब्स की, एक जो हमें दिखाई दे रही है और एक इसके पीछे से है ना, तो हम जो क्यूब्स हमें दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करेंगे और उसको डबल कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 हमें दिखाई दे रहे हैं और जस्ट उसके पीछे एक लेयर और है, तो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. ये जो फिगर है इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका पैरीमीटर हमें बताना है. हिंट हमें दिया हुआ है, एक बॉक्स की जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके, तो बस हमें शेडेड पार्ट की जो बॉक्सेस हैं उनकी लाइन को, आउटर लाइन को काउंट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ओके, सो 18 साइड्स हैं 1 सेंटीमीटर ईच, तो 18 इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
18 centimeter. So option D is the answer. Now question number 17. Which of the following figures have a line of symmetry? कौन सी फिगर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, यानी किस फिगर को अगर हम सेंटर में से फोल्ड करें तो दोनों साइड एग्जैक्टली सेम होंगी. तो इसको तो हम कहीं से भी नहीं कर सकते हैं, इसको भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा. यस, इसको अगर हम यहाँ से फोल्ड करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसकी, है ना. सो ऑप्शन डी इज द फिगर which has a line of symmetry. Question number 18. Look at the given diagram. Which of the following pairs are perpendicular to each other? जितनी भी lines यहाँ draw की हुई है उनमें हमें बताना है कि कौन सी दो lines हैं जो आपस में perpendicular हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं. CG तो किसी के perpendicular नहीं है. This one is also not. Yes, AB, यहाँ पर AB ये लाइन है. ओके, और LM यहाँ है इसके परपेंडिकुलर. सो AB एंड LM आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर. अब ये जो फिगर दी हुई है इसका पैरामीटर हमें फाइंड आउट करना है. तो जितनी भी ये साइड्स हमें दी हैं इनको हम ऐड कर देंगे. 14 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 10 इनको ऐड करेंगे. 14 प्लस 14 28, 5 एंड 5 10 एंड 10 20 प्लस 4. सो 28 प्लस 24 इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. So option A is the answer. Now question number 20. Which of the following figures consist of exactly 6 faces? कौन सी फिगर ऐसी है जिसके exactly 6 faces हैं? That is figure B. So the answer is option B. Okay? So आज हम लोग यहीं तक करेंगे question 20 तक. Question 21 से हम लोग next video में start करेंगे. तब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कीजिए, अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.